गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का फर्स्ट पार्ट दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी ऑन फोटोसिंथेसिस स्टडी करेंगे. सो व्हाट इज लाइट? नाउ फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द एस्पेक्ट ऑफ लाइट, कि लाइट क्या है, उसके कितने कैरेक्टर्स हैं और वो किस तरह से वेरी होती है या चेंज होती है. द प्लांट इज केपेबल ऑफ यूजिंग ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द लीव. तो प्लांट्स जो है जितनी लाइट उनके ऊपर आती है, मतलब सन लाइट, उसमें से ओनली दे आर ओनली एबल टू यूज 2% ऑफ दैट लाइट फॉर देयर फोटोसिंथेसिस और अदर एक्टिविटीज़. दिस रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ द लीफ, और ये जो है दैट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल. ईच पिगमेंट हैज़ इट्स ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और हर पिगमेंट का, जैसे क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, दे ऑल हैव डिफरेंट aspect of the absorption spectrum. Then the chlorophyll absorbs heavily in the blue and red region of the spectrum, and beta carotene mostly in the blue region. Most of the light is being reflected in the green region, giving the leaf the green color. और ये light जो है ज़्यादातर green region में reflect होती है, और इसी वजह से हम leaf का color जो देखते हैं इसीलिए वो हमें green दिखाई देता है. The greater absorption of light is found in thicker leaves with a lower percentage of transmitted light as compared to the thinner leaf. तो ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, ये ज़्यादातर थिक लीव्स जो होती हैं वो लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं. द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज वेवलेंथ फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर्स. ग्रीन लाइट का जो दैट इज वेवलेंथ है, इट इज़ 550 नैनोमीटर्स, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस. और ग्रीन लाइट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में. द लाइट वेरीज इन इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन. और लाइट जो है ये इसकी इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन चेंज होती रहती है. सो फर्स्ट लेट स्टडी द लाइट क्वालिटी. सो लाइट क्वालिटी, वाइट लाइट जो है, जो कि सन से हमें मिलती है, इज रिजॉल्व इनटू 7 कलर्स, दैट इज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. द एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस इन लीव शोज टू मेजर पीक्स, वन इन द रेड एंड अदर इन द ब्लू रीजन. तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा गया उसके अंदर ब्लू और रेड कलर की लाइट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिकॉर्ड हुआ है. इन दिस रीजन्स द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट, क्योंकि क्लोरोफिल इस इन दोनों रीजन्स में, ब्लू एंड रेड में, सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है. प्लांट शो हाई फोटोसिंथेसिस इन द ब्लू एंड द रेड लाइट, वाइल रेड एल्गी डू सो इन द ग्रीन लाइट. रेड एल्गी का यही स्पेक्ट्रम जो है इज मैक्सिमम इन द ग्रीन लाइट. ब्राउन एल्गी के केस में ब्लू लाइट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. इन ब्लू ग्रीन एल्गी दे हैव एक्शन स्पेक्ट्रम इन येलो और ऑरेंज लाइट. तो इधर येलो और ऑरेंज लाइट में ब्लू ग्रीन एल्गी डू मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस. ग्रीन लाइट इज मोस्ट ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड एंड देयरफॉर इज नॉट यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस. सो ग्रीन लाइट का मेजर इन्फ्लुएंस सिर्फ रिफ्लेक्शन में है, जिससे हमें लीव्स ग्रीन दिखाई देती हैं, बट फोटोसिंथेसिस में इनका मेजर रोल नहीं है. रेड एंड ब्लू लाइट्स आर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस. हूवर इन 1937 व्हाइल वर्किंग ऑन वीट प्लांट फाउंड दैट द वेव लेंथ 655 माइक्रोमीटर इन द रेड इज मोस्ट इफेक्टिव एंड वेव लेंथ 440 माइक्रोम्यूमीटर इज द इन द ब्लू टू बी द सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस. और ये जो है कि ब्लू एंड रेड लाइट तो फोटोसिंथेसिस इफेक्टिवली करने में हेल्प करती हैं, ये हूवर ने 1937 में वीट प्लांट्स में इसको स्टडी करके प्रूव किया है. अ प्लांट, नाउ लेट्स स्टडी द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ लाइट, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ लाइट. अ प्लांट अकम्पलिशेज मोर फोटोसिंथेसिस व्हेन एक्सपोज टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ लाइट, दैट इज 10 to 12 आवर्स पर डे. सो जितनी ज़्यादा लाइट ड्यूरेशन होगा उतना ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा. इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड दैट द अनइंटरप्टेड एंड कंटिन्यूस फोटोसिंथेसिस फॉर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम मे बी सस्टेन्ड विदाउट एनी विजिबल डैमेज टू द प्लांट. और ये देखा गया है कि अगर लॉन्ग एक्सपोजर्स या लंबे टाइम के लिए लाइट का एक्सपोजर प्लांट्स को दिया जाए तो भी प्लांट्स जो हैं वो सस्टेन कर पाते हैं. तो इसका एक एग्जाम्पल है बॉर्निंग ने, इन 1949 ही स्टडीड लीव्स ऑन ऑफ द यंग apple trees exposed to a continuous illumination and usual atmospheric concentration of carbon dioxide photosynthesize at an undiminished rate of period of at least 18 days without any noticeable damaging effects on the plants. So Bohning ne 1949 mein ye cheez prove kari hai ki apple ko ki leaves ko observe karte hue ki
कंटिन्यूसली 18 डेज तक दे वर एक्सपोज टू लाइट इन नॉर्मल एटमोसफेरिक कंडीशंस, तो भी दे वर नॉट डैमेज, मीन्स द एप्पल प्लांट कुड सस्टेन फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 18 डेज. नाउ इफ़ वी रिमूव द सोर्स ऑफ लाइट, द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फॉल्स टू जीरो इमीडिएटली. और जैसे ही हम लाइट का जो सोर्स है उसको हटा देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है. सो विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल. Now the third aspect of light is the light intensity. When carbon dioxide and at temperature are not limiting and light intensities are low, the rate of photosynthesis increases with an increase in its intensity. So when the limiting factors are not carbon dioxide and temperature, तब light intensity जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे rate of photosynthesis भी बढ़ता जाता है. लेकिन at a point saturation may be reached and when further increase in light intensity fails to induce increase in photosynthesis, this is light compensation point. लेकिन एक saturation level हमेशा आ जाता है, तो जब ये saturation level आता है then the increase in light intensity, मतलब अगर light intensity बढ़ती भी है तो भी rate of photosynthesis will not increase and this particular point is termed as the light compensation point. ऑप्टिमम और सैचुरेशन इंटेंसिटीज में वेरी विद डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़. और ये लाइट कंपनसेशन पॉइंट जो है या सैचुरेशन पॉइंट जो है ये स्पीशीज़ बाई स्पीशीज़ डिफर करता है. जो C4 प्लांट्स होते हैं दे नेवर रीच द लाइट कंपनसेशन पॉइंट, मतलब कितनी ही इंटेंसिटी हो लाइट की द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वुड इंक्रीज, मीन्स इफ द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज बियॉन्ड मेजरमेंट देन ऑल्सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वुड इंक्रीज. बट इन C3 प्लांट्स द लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट इज लिमिटिंग फैक्टर. सो they have a particular saturation point and beyond which if light intensity increases the rate of photosynthesis does not increase. Now we will study the influence of high light intensity on photosynthesis. So the first effect is solarization. Solarization kya hai? When there is extreme intensity of light due to the solar radiations, तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस इज इनहिबिटेड, क्लोरोफिल गेट्स ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस, सेल्स ऑफ द लीफ बिकम लेस हाइड्रेटेड एंड स्टोमेटा क्लोज. तो इनडायरेक्टली सोलराइजेशन लीड्स टू फोटो इनहिबिशन, दैट इज फोटोसिंथेसिस इज इनहिबिटेड एंड फोटो ऑक्सीडेशन, द क्लोरोफिल इज ऑक्सीडाइज. नाउ नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी इज फोटो ऑक्सीडेशन. फोटो ऑक्सीडेशन वेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गन इज इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, द सेल्स ऑफ दैट ऑर्गन बिकम वल्नरेबल टू क्लोरोफिल कैटलाइज्ड फोटो ऑक्सीडेशन. जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट हद से ज़्यादा बढ़ मतलब इंक्रीज हो जाती है तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं दे गेट वल्नरेबल टू फोटो ऑक्सीडेशन. तो उनमें फोटो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने लगती है. मैनी मोर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बिकम एक्साइटेड देन कैन बी यूटिलाइज्ड कॉजिंग द ब्लीचिंग ऑफ द क्लोरोफिल एंड इनएक्टिवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट एंजाइम. अब इस क्लोरोफिल ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि हद से ज़्यादा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाएंगे जिसकी वजह से जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसकी ब्लीचिंग हो जाएगी और इसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो इन्वॉल्व हैं दे वुड गेट इनएक्टिवेटेड. कॉन्सिक्वेंटली दीज ऑर्गन्स बिगिन टू कंज्यूम ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. और उसकी वजह से जो ये ऑर्गन्स हैं ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जगह जो है ऑक्सीजन कंज्यूम करने लग जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होने लगेगा. So this is photooxidation. So photooxidation is maximum when oxygen is present or carotenoids are absent or carbon dioxide concentration is low. So in three particular conditions में जो photooxidation की process जो है वो होती है, जब light intensity बहुत ज़्यादा होगी तब, और फिर light intensity ज़्यादा होने के साथ में oxygen ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और फोर्थ है जब carotenoids absent है. तो this would result in photooxidation of the chlorophyll molecules. Now the third is photo inhibition. Photosynthetic systems are designed to absorb large amount of light energy and process it into chemical energy. At the molecular level, energy in a photon can be damaging, particularly under unfavorable conditions. तो molecular level पे जो light energy है
इन अ फोटोन, फोटोन मतलब अ लाइट पार्टिकल में जो एनर्जी है वो डैमेजिंग हो सकती है जब सिचुएशंस अनफेवरेबल इन एक्सेस लाइट, इन एक्सेस लाइट एनर्जी कैन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक स्पीशीज सच एज सुपर ऑक्साइड, सिंगलेट ऑक्सीजन एंड पर ऑक्साइड एंड डैमेज कैन अकर इफ द लाइट एनर्जी इज नॉट डिसिपेटेड सेफली. तो एक्सेस लाइट से क्या होगा कि काफ़ी सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स जो है प्लांट बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि सुपर ऑक्साइड है या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, सिंगलेट ऑक्सीजन है, पर ऑक्साइड्स. तो इससे क्या होता है कि ये जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ये सेल को ही डैमेज करने लगते हैं. तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं. नाउ द फोटो सिस्टम टू, और अब फोटो इनिबिशन में क्या है कि फोटो इनिबिशन में द फोटो सिस्टम टू रिएक्शन सेंटर इज ईजिली डैमेज्ड. तो फोटो इनिबिशन अकर्स वेन एक्सेस एक्साइटेशन अराइविंग एट द PS2 रिएक्शन सेंटर लीड्स टू इट इनएक्टिवेशन एंड डैमेज. तब वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हद से ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं तो उसकी वजह से PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो डैमेज हो जाता है एंड गेट्स इनएक्टिवेटेड. फोटो इनिबिशन इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस डिफाइंड एज द इनिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय एक्सेस लाइट. तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्यों इनिबिट हो रही है, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ लाइट. फोटो इनिबिशन इज रिवर्सिबल इन अर्ली स्टेजेस, और कुछ हद तक शुरुआत में ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड इनिबिशन हाउएवर रिजल्ट्स इन डैमेज टू द सिस्टम सच दैट द PS2 रिएक्शन सेंटर मस्ट बी डिसेम्बल्ड एंड रिपेयर. लेकिन अगर बार बार फोटो इनिबिशन होता रहेगा, इफ फोटोसिंथेसिस इज इनिबिटेड अगेन एंड अगेन, उसकी वजह से PS2 रिएक्शन सेंटर जो है वो डैमेज हो जाता है, और उसके लिए उस PS2 रिएक्शन सेंटर को रिपेयर करने की सख्त ज़रूरत है. द मेन टारगेट ऑफ दिस डैमेज इज़ द T1 प्रोटीन, और इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में PS2 सेंटर को बनाने में D1 प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द PS2 रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स, और D1 प्रोटीन ही है जो इस फोटो इनिबिशन से डैमेज होता है. व्हेन D1 इज डैमेज बाय एक्सेस लाइट इट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द मेम्ब्रेन एंड रिप्लेस विद अ न्यूली सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल. सो जब PS2 सेंटर डैमेज हो जाता है तो ये D1 प्रोटीन ही है जो एक्चुअल में डैमेज होता है, तो इसके लिए D1 प्रोटीन को हटाना पड़ता है प्लांट को, और उसकी जगह एक नया प्रोटीन इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है या सिंथेसाइज करना पड़ता है प्लांट को, तब जाके उसका फोटो सिस्टम टू एफिशिएंटली वर्क करता है. द अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द PS2 रिएक्शन सेंटर्स आर नॉट डैमेज्ड बाय एक्सेस एक्साइटेशन एंड आर थॉट टू बी रिसाइकल्ड. सो द D1 प्रोटीन इज द ओनली कॉम्पोनेंट दैट नीड्स टू बी सिंथेसाइज. तो D1 प्रोटीन के डैमेज होने से फोटो इनिबिशन होता है, और वो फोटो इनिबिशन भी इस तरह से होता है कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्साइटेशन ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एट द PS2 सेंटर द D1 प्रोटीन इज गेटिंग डैमेज्ड, और उसकी वजह से अगेन resulting into non-functional photo first part of the or first reaction of photosynthesis, the light reaction. Now the last aspect of this is the active oxygen species. Photosystem 1 is particularly vulnerable to damage from active oxygen species. Photosystem 2 में तो जो D1 protein है वो damage हो जाता है. Photosystem 1 में क्या damage होता है, they itself are damaged by the active oxygen species. Active oxygen species क्या है, they are basically the singlet oxygens or the hydrogen peroxides or the super oxides are produced by the oxidation of the chlorophyll molecule. The ferredoxin acceptor of the PS1 is a very strong reductant that can easily reduce molecular oxygen to form superoxide. और यहाँ पे ये है कि PS1 में जो ferredoxin acceptor है PS1 का ही, वो ही molecular oxygen को reduce करके superoxide बनाता है. And this reduction competes with the normal channeling electron to the reduction of NADP+ and other processes. और सुपर ऑक्साइड इज़ वन ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दैट कैन बी वेरी डैमेजिंग टू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये DNA, लिपिड और प्रोटीन सभी डैमेज, सभी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स जो हैं प्लांट के, सेल के, उसको डैमेज करते हैं. इस तरह से एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है दे आर वेरी डैमेजिंग टू द प्लांट सेल्स एंड ऑर्गन्स. सो दीज आर द रेफरेंसेज. I hope you have understood how excessive intensity of light can be deleterious, can have deleterious effect on the plants. So this is all for today's lecture. Thank you.